नमस्कार दोस्तों, मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामना। लगभग एक महीना से ज्यादा हो गया चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आया, क्योंकि मैं पड़ गया था बीमार और मेरे को रिकवरी होने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। लेकिन इस वीडियो की मदद से मैं कमबैक कर रहा हूँ न्यू ईयर में। इस साल बहुत सारा एक्साइटिंग कार्य मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बहुत सारा एक्साइटिंग वीडियो भी आने वाला है चैनल पर। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाल्मीकि फ्रॉम कोलकाता, अ मॉडल का कलेक्टर एंड कार एंथुसियास्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ 1/43 कार्स देखने वाले हैं। 1/43 एक ऐसा स्केल है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, ना कि 1/64 के तरह बहुत छोटा है, ना कि 1/18-24 के जैसा बहुत बड़ा है। एक कॉम्पैक्ट साइज का स्केल है और बहुत सारा प्रीमियम कंपनी इस स्केल में ही गाड़ी बनाता है, और ये सब जो गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। और आज हम देखने वाले हैं ऐसे ही एक 1/43 कार्स की सेट जो कि बनाया है वीली ने, और ये रहा उसका बॉक्स पैकेजिंग। ये देखने में भले ही कुछ टूटा फूटा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो गाड़ी है आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, बहुत ही खास गाड़ियां हैं। और टूटा फूटा क्यों ना हो, ये जो बॉक्स है ये बनाया गया था 2014 में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि दिस इज मैन्युफैक्चर इन द यार्ड ऑफ 2014, और इस साल मेरे को ये गाड़ी मिला है, ये गाड़ी का सेट मिला है सिर्फ और सिर्फ 1000 में, जो कि उस टाइम पे इसका MRP था। तो चलिए एक एक करके गाड़ियों को देखते हैं, क्वालिटी कैसा है, फिनिशिंग कैसा है। इस सेट का सबसे पहला जो गाड़ी है वो है वोक्सवैगन बीटल 1963 वाला, जो कि देखने में कुछ इस तरह लग रहा है। ये गाड़ी देखने में काफी क्यूट है, और इस छोटू सा स्केल में गाड़ी देखने में काफी क्यूट लग रहा है, और भी ज्यादा क्यूट लग रहा है रेड कलर की वजह से। तो ये रहा वोक्सवैगन लेजेंडरी बीटल। इस गाड़ी को पहचानते नहीं है ऐसा कलेक्टर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी ही एकदम लेजेंडरी है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह, कोई भी ओपनेबल पार्ट्स इस सब गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो फिनिशिंग है 1/43 होने के बावजूद भी काफी अच्छा लग रहा है। और फिनिशिंग अच्छा क्यों ना हो, ये जो गाड़ी है बनाया है वीली ने, जो कि एक वर्ल्ड फेमस कंपनी है। बात करते हैं सेकेंड गाड़ी की, जो कि है मिनी कूपर, डुअल टोन फिनिश के साथ आया है। इस तरफ येलो कलर आपको देखने को मिलता है, और रूफ में है व्हाइट कलर का रूफ, और गाड़ी काफी शानदार लगता है। ये है मिनी कूपर। बात करते हैं थर्ड गाड़ी की, जो कि है फियट 500, और ये गाड़ी देखने में कुछ इस तरह लग रहा है। छोटू सा क्यूट सा गाड़ी है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लेकिन रेड कलर में ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बात करते हैं अगले गाड़ी की, जो कि है फोर्थ है इस लिस्ट में। ये है फियट 500 का पहला वाला जनरेशन। ये गाड़ी भी काफी क्यूट लगता है 1/43 स्केल में। ये गाड़ी किंग्समार्ट का भी मिलता है मार्केट पर, अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में, अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन 1/43 स्केल में ये गाड़ी देखने में बहुत क्यूट और काफी कॉम्पैक्ट लगता है। बात करते हैं इस लिस्ट का सबसे आखिरी गाड़ी की, जो कि मेरा फेवरेट गाड़ी है और शायद आपका भी फेवरेट हो, क्यों ना हो। ये जो गाड़ी था ये चलाता था मिस्टर बीन, और ये है गाड़ी मॉरिस मिनी। जी हाँ दोस्तों, मॉरिस मिनी इन 1/43 स्केल बिल्कुल लाजवाब है देखने में, बिल्कुल लाजवाब। अगर ये गाड़ी ग्रीन कलर में होता ना तो मजा ही आ जाता, लेकिन खैर ये गाड़ी है व्हाइट कलर में, और साथ में ब्लैक कलर का रूफ है, डुअल टोन फिनिश है, काफी सुंदर है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है, और ये गाड़ी मेरा फेवरेट है। तो आपको कैसा लगा ये वीली का सेट, नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए इस सेट में से कौन सा गाड़ी आपको पसंद आया सबसे ज्यादा। अगर आप इस चैनल पे नया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी काफी सारा एक्साइटिंग वीडियो इस चैनल में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मुलाकात होंगे अगले हफ्ते और एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कलेक्टिंग एंड गुड बाय।